इन दिस वीडियो हमने लोअर लिम्ब आर्टरीज का थोड़ा सा ओवरव्यू लेने के किस तरह की हमारी पूरी लोअर लिम्ब की आर्टरी कहाँ से कहाँ तक जाती है, कहाँ पे कौन सी आर्टरी डिवाइड हो रही है, किस पॉइंट पे डिवाइड हो रही है, कितनी देर तक कहाँ पर मतलब उसकी ब्रांचेज हैं, ये हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है इस बात का। हमारे पास सबसे पहले आपको ना लोअर लिम्ब आर्टरीज का पता होना चाहिए कि वो राइज कहाँ से होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है कॉमन इलियक आर्टरी जो थोरैक्स एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। कॉमन इलियक आर्टरी से बनती है एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की हम फर्दर पढ़ेंगे और इंटरनल इलियक आर्टरी की भी पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों की ब्रांचेज जो हैं वो हमारे थाई के मसल्स को सप्लाई कर रही होती हैं। अब सबसे पहले एक्सटर्नल इलियक आर्टरी पर पढ़ते हैं। तो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे एक हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ना इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, इंग्वाइनल लिगामेंट। तो ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट मैंने शो की है, ये देखिए ये इंग्वाइनल लिगामेंट है ये वाला। अब इसमें क्या होगा कि इस पॉइंट पर जब हमारे पास एक्सटर्नल इलियक आर्टरी आएगी ना, तो वो मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे जैसे ही पहुंचेगी ना, तो वो कन्वर्ट हो जाए, उसको एक्सटर्नल इलियक आर्टरी का नाम नहीं देंगे, उसे फिर हम फीमोरल आर्टरी का नाम देंगे, फीमोरल आर्टरी बन जाएगी। अब फीमोरल आर्टरी जो है यहाँ पर चेंज हो गई, मिड इंग्वाइनल पॉइंट पर एक्सटर्नल इलियक आर्टरी फीमोरल आर्टरी बन गई। अब हमारे पास आते हैं नेक्स्ट, इसके बिल्कुल आती है फीमोरल ट्राइंगल। यहाँ पर फ्रंट ऑफ थाई में ट्राइंगल डिप्रेशन होता है जिसे हम कहते हैं फीमोरल ट्राइंगल, फ्रंट ऑफ थाई में ही होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास फीमोरल आर्टरी फीमोरल ट्राइंगल में रन करेगी। फीमोरल ट्राइंगल में इसकी काफी ब्रांचेज होंगी, इसकी सिक्स ब्रांचेज होती हैं, थ्री सुपरफिशियल होती हैं, थ्री डीप ब्रांचेज होती हैं फीमोरल ट्राइंगल के अंदर, जिसमें से एक बड़ी ब्रांच जिसे हम प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी कहते हैं, जो कि ये डीप ब्रांच होती है। प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी यहाँ पे दी इसने, प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी जो है वो हमारे पास थाई के थ्री कंपार्टमेंट्स को सप्लाई करती है। कौन कौन से कंपार्टमेंट, थाई के एंटीरियर होता है, मीडियल होता है और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी, ठीक है। अपनी वो क्योंकि प्रोफंडा फीमोरस फर्दर भी डिवाइड हो जाती है ब्रांचेस में, जो कि सप्लाई करती है थाई के थ्री कंपार्टमेंट्स को, यानी मेन आर्टरी है ये, डीप ब्रांच है फीमोरल आर्टरी की। अब फीमोरल आर्टरी ने फीमोरल ट्राइंगल को लीव किया, उसके बाद आती है हमारे पास एडक्टर कैनाल। एडक्टर कैनाल आती है, फिर फीमोरल आर्टरी एंटर हो जाती है एडक्टर कैनाल में। ये इंटरमस्कुलर स्पेस होती है, दरअसल ये कैनाल इस तरह से, ये इंटरमस्कुलर स्पेस होती है हमारे पास मिडल थर्ड ऑफ द थाई में, ठीक है। इसकी मतलब मिडल थर्ड और ट्राइंगुलर होता है इसका क्रॉस सेक्शन, दरअसल ट्राइंगुलर शेप में होती है थोड़ी सी, मैंने ऐसी आपको शो करने के लिए दिखाई है, वरना ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन होती है। अब एडक्टर कैनाल में रन करी, अब लोअर एंड ऑफ द एडक्टर कैनाल में क्या होगा, ये मैंने आपने इसको पूरा हम फीमोरल ट्राइंगल का ये भी पढ़ रहे हैं, फीमोरल आर्टरी का पढ़ रहे हैं। लोअर एंड ऑफ द एडक्टर कैनाल में हमारे पास क्या होता है कि एडक्टर मैग्नस मसल होता है, उसके अंदर एक ओपनिंग होती है जिसे हम एडक्टर हियाटस कहते हैं। उस ओपनिंग से पास करने के बाद फीमोरल आर्टरी हमारे पास बैक में चली जाती है, बैक ऑफ द थाई में चली जाती है, बैक ऑफ द थाई में चली जाती है और फिर नी के बैक में चली, बैक ऑफ द नी में चली जाती है। यानी मैं बताती हूँ कि किस तरह से यहाँ पे इसने पियर्स कर दिया, यानी ओपनिंग होती है एडक्टर मैग्नस एडक्टर हियाटस में जाने के बाद इसने पियर्स कर दिया। ये मैंने आपको डॉटेड में शो किया, इससे पता चल रहा है कि ये बैक पे चली गई है, ये बैक ऑफ द नी पर चली गई है। अब ये मैं आपको एक ये देखिए मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ, ये बैक ऑफ द नी पर आ गई, अभी बैक ऑफ द नी पर आ गई। बैक ऑफ द नी में जैसी आती है ना, तो हम पोपलिटल फोसा में आ जाती है, पोपलिटल फोसा इसे कहते हैं, ये हमारे पास डायमंड शेप डिप्रेशन होती है बैक ऑफ द नी में। अब पोपलिटल फोसा में आने के बाद फीमोरल आर्टरी जो है ना वो पोपलिटल आर्टरी बन जाती है, और पोपलिटल आर्टरी जो है वो पोपलिटल फोसा का आर्टरी और पोपलिटल फोसा की आर्टरी होती है। अब पोपलिटल आर्टरी लोअर बॉर्डर पोपलिटिस, यानी पोपलिटिस मसल होता है, लोअर बॉर्डर पोपलिटिस, पोपलिटिस एक मसल होता है, वहां पर डिवाइड हो जाती है पोस्टीरियर टिबियल और एंटीरियर टिबियल आर्टरीज में। पोस्टीरियर टिबियल तो हमारे पास बैक ऑफ द लेग में, यानी काफ भी कहते हैं बैक ऑफ द लेग को, उसमें रन करती रहती है, लेकिन जो हमारे पास एंटीरियर टिबियल आर्टरी होती है वो पियर्स करती है हमारे पास, पियर्स नहीं करती बल्कि मैं आपको बताती हूँ क्या होता है ये। इसका एक ना एंटीरियर टिबियल आर्टरी हमारे पास इंट्रोशियस मेम्ब्रेन पे एक ओपनिंग होती है, उससे जो है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट में एंटर हो जाती है। अब वो किस तरह होती है मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें टीबिया और फिबुला हमें यहाँ पे शो की हुई है। अब टीबिया और फिबुला के दरमियान ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, ये जो व्हाइट पॉइंट आपको शो की हुई है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है। इंट्रोशियस मेम्ब्रेन की अपर भी एक ओपनिंग है और आप देख सकते हैं इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के यहाँ पे भी एक ओपनिंग है। अपर जो ओपनिंग है यहाँ से एंटीरियर टिबियल वेसल्स जो है वो पोस्टीरियर से एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में एंटर होती हैं, लेग में एंटर होती हैं, लेग में पहुंच गए हम आर्टरीज को डिस्कस करते हुए। और जो जो इंफीरियर ओपनिंग है वहां पर हमारे पास जो है वो पोस्ट पर, आपको मैं आगे भी जाकर बताऊंगी, एक पेरोनियल आर्टरी होती है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की ब्रांच, वो आती है एंटीरियर कंपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये हमारे पास दो ओपनिंग्स होती हैं, फर्स्ट एंटीरियर टिबियल वेसल्स के लिए, लास्ट में परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ द पेरोनियल आर्टरी के लिए। हम बैक वहीं चलते हैं, डिस्कस करते हैं। उसके बाद देखें एंटीरियर टिबियल जो है वो यहाँ से इंट्रोशियस मेम्ब्रेन की ओपनिंग से पास करके यह एंटीरियर साइड पर आ गई, ये एंटीरियर साइड पर आ गई। अब ये एंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू है। एंटीरियर टिबियल जो है ना हमारे पास एक मेलुलाय, टू मेलुलाय होते हैं फिबुला और टिबिया के, टिबिया के पास जो होता है वो मीडियल मेलुलस होता है, फिबुला के बाद लेटरल मेलुलस होते हैं, जो दोनों उसकी लोअर एंड ऑफ द टिबिया और फिबुला पे प्रेजेंट होते हैं मेलुलाय, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ
ये हमारे पास लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है, ठीक है। लेटरल साइड पे लेटरल मेलुलस होगा फिबुला का, मीडियल साइड पर मीडियल मेलुलस होगा टीबिया का, जो कि दोनों बोन्स के लोअर एंड पर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर जो है जैसे टू मेलुला के दरमियान आ गई डोर्सलिस पीडिस आर्टरी में, इसका नाम जो है वो डोर्सलिस पीडिस आर्टरी बन जाएगा। डोर्सलिस पीडिस आर्टरी जो है वो हमारे पास डोर्सम ऑफ द फुट में जाके, यानी डोर्सम ऑफ द फुट में जाके हमारे जो फुट का वो हिस्सा जो कि ग्राउंड पर रेस्ट नहीं करता, उसे मतलब जो फुट का हिस्सा ग्राउंड पर रेस्ट करता है उसे हम सोल ऑफ द फुट कहते हैं, और जो हिस्सा ग्राउंड पर रेस्ट नहीं करता उसे हम डोर्सम ऑफ द फुट कहते हैं। ये आपको याद रखिएगा कि मतलब जो नेल बेड्स जिस हिस्से पर, जिस फुट के हिस्से पे नेल बेड्स होते हैं वो हमारे पास डोर्सम ऑफ द फुट होते हैं, वहाँ पे जाके डोर्सलिस पीडिस आर्टरी जो है वो फर्दर ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है, फर्दर ब्रांचेस देती है, ठीक है। अब हम पढ़ें पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी को, जो कि बैक साइड पे, ये बैक ऑफ द लेग है, ठीक है ना। ये बैक ऑफ द लेग को याद रखिएगा काफ भी कहते हैं, बैक ऑफ द लेग को काफ भी कहते हैं। ये भी हमें आपको ओवरव्यू देनी है, अभी हम इसको डिटेल से दोबारा डिस्कस करेंगे। अब पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी एक ब्रांच दे दी है लेटरल साइड पे, जिसे हम पेरोनियल आर्टरी कहते हैं, जो कि पेरोनियल आर्टरी कहते हैं, और पेरोनियल आर्टरी जो है वो लेटरल कंपार्टमेंट के मसल्स को अभी हम सप्लाई करती है, लेटरल कंपार्टमेंट के मसल्स को, जिसमें अभी मैं बताती हूँ पेरोनियस लॉन्गस से पेरोनियस ब्रेविस आते हैं, ये दो ही मसल्स होते हैं लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में, इनको सप्लाई करती है। उसके बाद पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो है ना, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो है वो नीचे रन कर रही है, और सोल ऑफ द फुट में जाके दो आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगी, मीडियल प्लांटर आर्टरी और लेटरल प्लांटर आर्टरी में, याद रखिएगा। तो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी इस तरह से एंड हो जाती है, जिस तरह डोर्सलिस पीडिस आर्टरी डोर्सम ऑफ द फुट में डिवाइड हो गई थी मुख्तलिफ ब्रांचेज में, लेकिन जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है वो सोल ऑफ द फुट में मीडियल और लेटरल प्लांटर आर्टरी मेन ब्रांचेज होती है उसमें डिवाइड हो जाती है जाके, और पेरोनियल आर्टरी लेटरल कंपार्टमेंट को मसल्स को सप्लाई करती है। अब हम इसका ना दोबारा से इसको डिस्कस करते हैं, अभी ओवरव्यू लेते हैं अपनी दूसरी जगह। अब देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया था कॉमनली लिया कार्ट्री थी एक्सटर्नल और इंटरनल में डिवाइड हुई, एक्सटर्नल फर्दर डिवाइड होती है मतलब मिड इंगुइनल पॉइंट पर, एक्सटर्नल का नाम जो है वो फीमोरल आर्टरी बन जाता है, अभी डिवाइड नहीं हुई है, एक्सटर्नल का नाम फीमोरल आर्टरी बन जाता है मिड इंगुइनल पॉइंट पर, और ये फ्रंट ऑफ द थाई की आर्टरी है, मैंने हर जगह आगे लिखा हुआ है कौन सी आर्टरी किस रीजन की आर्टरी है। फीमोरल आर्टरी फ्रंट ऑफ द थाई की आर्टरी है, इसकी एक ब्रांच होती है प्रोफंडा फीमोरल, जो डीप ब्रांच होती है जो फीमोरल ट्राइंगल के अंदर दी जाती है, ये जो है थ्री कंपार्टमेंट्स ऑफ द थाई की आर्टरी है, क्योंकि इसकी आगे जो तो ये फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जो थाई के तीनों कंपार्टमेंट्स को सप्लाई करते हैं। थाई के कौन से तीन कंपार्टमेंट्स होते हैं, हमारे पास थाई के तीन कंपार्टमेंट्स होते हैं, इंटीरियर मीडियल और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। जो इंटरमस्कुलर सेप्टा जो है वो इन तीन कंपार्टमेंट्स को बनाते हैं, और इंटरमस्कुलर सेप्टा जो कि थाई में अटैच होते हैं वो अटैच होते हैं फीमर से, जबकि इंटरमस्कुलर सेप्टा जो लेग में अटैच होते हैं वो होते हैं फिबुला से अटैच होते हैं, इंटरमस्कुलर सेप्टा जो कि हमारे पास लेग के कंपार्टमेंट्स बनाते हैं वो फिबुला से अटैच होते हैं। इसी तरह इंटरमस्कुलर सेप्टा जो हमारे पास थाई के कंपार्टमेंट्स बनाते हैं वो फीमर से अटैच होते हैं, तो इंपॉर्टेंट बात है। यानी मैं अगर कहूँ इंटरमस्कुलर सेप्टा मतलब मैं कहूँगी थाई के कंपार्टमेंट्स किस बोन की वजह से बन रहे हैं, तो फीमर की वजह से, जबकि लेग के कंपार्टमेंट्स किस बोन की वजह से बन रहे हैं, फिबुला की वजह से। उसके बाद प्रोफंडा फीमोरल आर्टरी मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी में डिवाइड हो जाती है, इनकी फर्दर ब्रांचेस होती हैं, जो कि अभी हम डिटेल में नहीं करें, हम सिर्फ अभी ओवरव्यू में डिस्कस करें। तो अब हमने फीमोरल आर्टरी पढ़े थे, फीमोरल ट्रायंगल के अंदर फीमोरल आर्टरी रन की, सिक्स ब्रांचेस हैं इसकी, थ्री सुपरफिशियल थ्री डीप, उन्हीं में से एक ब्रांच को हम प्रोफंडा फीमोरल आर्टरी भी कहते हैं। उसके बाद एडक्टर कनाल में एंटर होगी फीमोरल आर्टरी, एडक्टर कनाल में इसकी दो ब्रांचेस होती हैं, डिसेंडिंग जेनिकुलर एंड सुपरफिशियल ब्रांच। उसके बाद हमारे पास एडक्टर मैग्नस में ओपनिंग आ गई, जिसे हम एडक्टर हिएटस कहते हैं, वहां पर एंटर होने के बाद ये बैक ऑफ द नी में चली गई, बैक ऑफ द नी में पोपलीटल फोसा के अंदर इसका नाम चेंज हो गया पोपलीटल आर्टरी में, पोपलीटल आर्टरी लोअर बॉर्डर पोपलीटिस, पोपलीटिस एक मसल है लोअर बॉर्डर पोपलीटिस, यानी जहां पर वो एंड हो रहा था पोपलीटियस मसल, वहां पर डिवाइड हो जाती है पोस्टीरियर टिबियल और इंटीरियर टिबियल आर्टरी में, और इंटीरियर टिबियल आर्टरी इंटीरियर कंपार्टमेंट की ऑफ द लेग की आर्टरी है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग की आर्टरी है, ये ऑफ द लेग को ये कली ऑफ द लेग है। अब हम लेग में पहुंच गए, थाई में कंप्लीट हो गए, यहां तक थाई का, अब लेग में है। एंटीरियर टिबियल आर्टरी जो है वो उसने बिटवीन, मैंने आपको बताया कि इंट्रोशियस मेम्ब्रेन में ओपनिंग की वजह से वो इंटीरियर कंपार्टमेंट में आ गई, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में ही रही, ठीक है ना। एंटीरियर टिबियल तो दोनों देखें, दोनों जो बनी थी वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में राइज हुई थी, दोनों पोपलीटल आर्टरी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में, यानी हमने बैक ऑफ द लेग में राइज हुई थी, कन्वर्ट हुई थी पोस्टीरियर टिबियल और एंटीरियर टिबियल में, लेकिन एंटीरियर टिबियल तो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन में ओपनिंग की वजह से एंटीरियर कंपार्टमेंट में आ गई, और एंटीरियर जबकि पोस्टीरियर जो है वो पोस्टीरियर ही रही, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को उसने सप्लाई किया, और आगे सोल ऑफ द फुट में डिवाइड होगी मीडियल प्लांटर और लेटरल प्लांटर आर्टरी में, लेकिन जो इंटीरियर टिबियल है वो हमारे पास टू मेलुला के दरमियान कन्वर्ट होगी, कन्वर्ट में उसका नेम चेंज हो गया डोर्सलिस पीडिस आर्टरी में, डोर्सम ऑफ द फुट में वो डिवाइड होगी फर्दर ब्रांचेस में, जिसमें एक बड़ी ब्रांच होती है, इसमें आर्कोएट आर्टरी, और भी ब्रांचेस होती हैं लेकिन आर्कोएट आर्टरी की लार्जेस्ट ब्रांच होती है। और डोर्सलिस पीडिस आर्टरी एंड कैसे होती है, प्लांटर आर्च बना के, प्लांटर आर्च कैसे बनती है मैं आपको बताती हूँ, प्लांटर आर्च हमारे पास सोल ऑफ द फुट में बन रही होती है,
सोल ऑफ द फुट में बनती है, डोर्सल स्पीडिस आर्टरी से और लिटल प्लांटर आर्टरी से बनती है। इसको भी हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ प्लांटर आर्च। लेकिन अभी हम आपको यह दोबारा मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये देखिए, ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी थी, मेडियोगोनल पॉइंट पे फीमोरल आर्टरी में कन्वर्ट नाम चेंज हो गया फीमोरल आर्टरी, इसकी प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी ब्रांच आई, और भी ब्रांचेस होती है लेकिन हम उन मेन मेन ब्रांचेस को डिस्कस करें यहाँ पे। प्रोफंडा ये था ही चल रहा है अभी, प्रोफंडा फीमोरस जो है वो बैक पे चली गई, बैक मतलब पियर्स करके वो बैक पे चली जाती है। उसके बाद जो है ये फीमोरल आर्टरी नीचे रन करती गई, हमारे पास ओपनिंग है ये एडक्टर मैग्नस में एडक्टर हियाटस, उसके बाद ये बैक ऑफ द नी में चली गई। ये जो डॉटेड लाइन शो करती है इसका मतलब ये पीछे बैक ऑफ द नी में चली गई, बैक ऑफ द नी में यहाँ पर आ गई। बैक ऑफ द नी में जैसे ही पोपलीटल फोसा में, इसका नाम पोपलीटल आर्टरी बन गया। पोपलीटल आर्टरी लोअर बॉर्डर पोपलीटिस पे एंटीरियर टिबियल पोस्टीरियर टिबियल में डिवाइड होगी। एंटीरियर टिबियल दोबारा इंट्रोशियस मेम्ब्रेन की ओपनिंग की वजह से एंटीरियर साइड पर आ गई, जबकि पोस्टीरियर टिबियल नीचे ही रन करती रही, और मीडियल लेटरल प्लांटर आर्टरीज में सोल ऑफ द फुट में डिवाइड हो गई। जबकि एंटीरियर टिबियल आर्टरी जो होती है वो डॉर्सम ऑफ द फुट पे बिटवीन द टू मेलुलाई उसका नाम चेंज हो गई डॉर्सल स्पीडिस में, और वो फर्दर डिवाइड होगी ब्रांचेस में डॉर्सम ऑफ द फुट के अंदर। ठीक है, अब लेग है, पढ़ली थाई, पढ़ली सोल ऑफ द फुट, ये हमने आपको ऐसा ब्रीफ सा ओवरव्यू दिया। अब हम इसको पढ़ते हैं रियल लेग है। ये हमारे पास लोअर लिम का इंटीरियर व्यू है, एंटीरियर व्यू को शो किया गया। जो पोस्टीरियर व्यू होगा वो मैं आपको अगले उसमें डायग्राम में दिखाती हूँ। अभी एंटीरियर व्यू पढ़ रहे हैं। एंटीरियर व्यू में देखें, ये हमारे पास जो व्हाइट में शो किया गया ये इंग्वाइनल लिगामेंट होता है। ठीक है, अब इंग्वाइनल लिगामेंट यहाँ पर देखें, ये मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे एक्सटर्नल इलियक आर्टरी का नाम क्या बन गया है रेड में, जो रेड में ज्यादा रेड में मैंने शो किया है वो मेन आर्टरी है, जो बाकी जो हल्की हल्की है वो हमारे पास ब्रांचेज हैं। ब्रांचेस को भी हम डिस्कस नहीं करें, मेन आर्टरी में है, मेन आर्टरी को डिस्कस करेंगे। मीडियोगोनल पॉइंट पे एक्सटर्नल इलियक आर्टरी बन गई फीमोरल आर्टरी। अब फीमोरल आर्टरी नीचे जा रही है, डाउनवर्ड्स इमीडियली जा रही है, इसकी एक ब्रांच है प्रोफंडा फीमोरस जो कि यहीं पे दी गई है, देख सकते हैं ये प्रोफंडा फीमोरस ब्रांच है। प्रोफंडा फीमोरस भी जो है वो बैक ऑफ द उसमें चली गई है, बैक ऑफ द थाई में। उसके बाद हमारे पास फीमोरल आर्टरी नीचे डाउनवर्ड्स इमीडियली रन करी है, ओपनिंग इधर एडक्टर मैग्नस आई जिसे हम एडक्टर हियाटस कहते हैं, वहां पर एंटर होने के बाद, क्योंकि यहां पर एडक्टर मैग्नस मसल होता है उसमें ओपनिंग आती है, वहां पर एंटर होने के बाद ये बैक ऑफ द नी में चली गई। नी होता ना ये हमारे पास, इसमें बैक ऑफ द नी में चली गई। नी में जाने के बाद ये में जो ब्लू में शो किया गया ये बैक शो किया गया, सारा बैक है। अब बैक ऑफ द नी में जाने के बाद जो है, मैं आपको अभी दूसरी डायग्राम में इसको फर्दर शो करती हूँ। ये लेग का आपको पोस्टीरियर व्यू शो किया गया, ये नी का पोस्टीरियर व्यू है। नी के देखें, यहाँ पे हमारे पास फीमोरल आर्टरी ही जो थी जो एडक्टर मैग्नस में ओपनिंग के बाद यहाँ पे बैक पे आ गई थी, और बैक पे आने के बाद पोपलीटल फोसा में उसका नाम पोपलीटल आर्टरी बन गया था। अब ये पोपलीटल आर्टरी है, ये लोअर बॉर्डर ऑफ पोपलीटियस पे, लोअर बॉर्डर ऑफ पोपलीटियस ये आगे यहाँ पे डिवाइड होगी पोस्टीरियर टिबियल और एंटीरियर टिबियल आर्टरी में। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी तो नीचे रन कर रही है, लेकिन जो एंटीरियर टिबियल आर्टरी है यहाँ पे देखें, यहाँ से हमारे पास ओपनिंग हुई इंट्रोशियस मेम्ब्रेन में, वहां से ये एंटीरियर कंपार्टमेंट में चली गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका एंटीरियर टिबियल कंपार्टमेंट का, एंटीरियर टिबियल आर्टरी का एंटीरियर कंपार्टमेंट में कोड। ये देखें, ये एंटीरियर टिबियल आर्टरी का, ये देखें, ये एंटीरियर टिबियल आर्टरी आ गई ओपनिंग इन द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से, एंटीरियर टिबियल आर्टरी आगे एंटीरियर कंपार्टमेंट में आ गई, और टू मेलुला के दरमियान इसका नाम हो गया डोर्सल स्पीडिस आर्टरी। डोर्सल स्पीडिस आर्टरी की एक फर्दर ब्रांच मेन ब्रांच होती है, उसे हम आर्कोइड आर्टरी कहते हैं, और प्लांटर आर्च बनती है हमारे पास सोल ऑफ द फुट में, जो कि यहाँ पे सही शो नहीं की हुई। अब हम पढ़ते हैं पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी का, जो कि पीछे ही पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में रह गई थी उसका कोड। अब देखें, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो है ये हमारे पास नीचे रन करी है और ये यहाँ पर आके सोल ऑफ द फुट में आके ये मीडियल प्लांटर और लेटरल प्लांटर आर्टरी में जो है वो कन्वर्ट हो गई है। तो इस तरह से हमारे पास, और इसकी एक मेन ब्रांच है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की, एक मेन ब्रांच होती है। देखें, ये जो मैंने शुरू बताई थी ना, ये वाली जो चीज़ है ना, ये फिबुलर आर्टरी है, पिरोनियल आर्टरी, जो कि हमारे पास पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की ब्रांच है। यहाँ पर हमारे पास लोअर बॉर्डर पोपलीटियस, ये हमारे पास था पोपलीटियस मसल, ये क्या था पोपलीटियस मसल, पोपलीटियस का लोअर बॉर्डर जैसे आया था, तो हमारे पास पोस्ट जो हमारे पोपलीटियल आर्टरी है, पोपलीटियल आर्टरी हमारे पास कन्वर्ट हो गई थी एंटीरियर टिबियल और पोस्टीरियर टिबियल में। एंटीरियर टिबियल यहीं से एंटीरियर कंपार्टमेंट में एंटर हो गई थी, ये पोस्टीरियर टिबियल नीचे रन कर रही थी, और पोस्टीरियर टिबियल की एक फर्दर ब्रांच आई पिरोनियल आर्टरी, ये पिरोनियल आर्टरी थी। पिरोनियल आर्टरी भी हमारे पास जो है आप देख सकते हैं यहाँ के, इसके बाद शो नहीं की गई पिरोनियल आर्टरी को, पिरोनियल आर्टरी जो है ये नीचे जा रही है, और यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो हमारे पास एंटीरियर कंपार्टमेंट में एंटर होगी थ्रू द ओपनिंग इन द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया था इंट्रोशियस मेम्ब्रेन जो होती है उसमें टू ओपनिंग्स होती हैं, एक होती है एंटीरियर टिबियल आर्टरी के लिए और एक होती है पिरोनियल आर्टरी के लिए। अब पिरोनियल आर्टरी के लिए ओपनिंग होती है वो हमारे पास नीचे से, ये देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन में ओपनिंग है, यहाँ से एंटीरियर कंपार्टमेंट में एंटर हो गई है फिबुलर आर्टरी, यानी उसकी परफोरेटिंग ब्रांच, सिर्फ उसकी परफोरेटिंग ब्रांच, उसकी और भी ब्रांचेस होती है लेकिन परफोरेटिंग ब्रांच जो है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट में चली जाएगी। और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी ये रन कर रही है ये वाली रेड में, और ये मीडियल प्लांटर और लेटरल प्लांटर में डिवाइड हो गई है। अब देखें, ये मैंने बैक ऑफ द नी शो करवाया, बैक ऑफ द नी में ये लोअर बॉर्डर पोपलीटियस है, लोअर बॉर्डर पोपलीटियस, ये लोअर बॉर्डर पोपलीटियस यहाँ पे डिवाइड होगी पोपलीटियल आर्टरी पोस्टीरियर टिबियल में, क्योंकि नीचे रन करेगी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और एंटीरियर टिबियल में। एंटीरियर टिबियल जो आर्टरी है
ये देखें, ये टीबिया फिबुला शो की है। टीबिया फिबुला के दरमियान इंट्रोसस मेम्ब्रेन होती है, इसके दरमियान ऊपर एक ओपनिंग होती है और एक नीचे ओपनिंग होती है। ऊपर जो ओपनिंग होती है वहां से एंटीरियर टीबियल आर्टरी जो है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट में एंटर हो जाती है। एंटीरियर टीबियल है ना, ये हमारे पास डॉटेड में शो की, इसका डॉटेड का मतलब ये है कि इस ओपनिंग से ये अंदर आगे एंटीरियर कंपार्टमेंट में आ गई है। इसी तरह से पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी नीचे रन करती है, एक बड़ी ब्रांच देती है पेरोनियल आर्टरी। पेरोनियल आर्टरी की एक ब्रांच होती है, पूरी नहीं एक ब्रांच होती है उसकी, जिसे हम कहते हैं परफोरेटिंग ब्रांच। परफोरेटिंग ब्रांच नीचे वाली ओपनिंग इंट्रोसस मेम्ब्रेन में जो होती है उसको पियर्स करके जो है वो इंटीरियर कंपार्टमेंट में आ जाती है। पियर्स नहीं करती है, वो तो ओपनिंग होती है तो उससे उस रस्ते से जो है वो इंटीरियर कंपार्टमेंट में आ जाती है। तो ये मैंने आपको ये वाली बात मजीद क्लियर कर दी। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी आर्टरी किस कंपार्टमेंट की आर्टरी है। यानी फीमोरल आर्टरी फ्रंट ऑफ थाई में होती है, ऑब्चुरेटर आर्टरी मीडियल साइड ऑफ, अच्छा इंटरनल इलिया की फर्दर पड़ता है। इंटरनल इलिया डिवाइड होती है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी में, इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ऑब्चुरेटर आर्टरी में। ऑब्चुरेटर आर्टरी मीडियल साइड की आर्टरी है थाई, मीडियल साइड ऑफ द थाई की, और सुपीरियर ग्लूटी और इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी ग्लूटियल रीजन की आर्टरी है। दोनों आर्टरीज होती हैं ये ग्लूटियल रीजन की। उसके बाद ये हमने पढ़ लिया इन तमाम को कि कौन सी आर्टरी किस कंपार्टमेंट की आर्टरी है, ये मेन बात यही है इसकी, ये इसकी यही आपने याद करनी है। उसके बाद ये ओवरव्यू हम हो गया है लोअर लिम्ब की तमाम आर्टरीज का।